इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग तो बात आती है कि क्या महत्व है फाइनेंशियल प्लानिंग का क्यों जरूरी है तो इसमें नीड भी आ सकती है अगर वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग तो भी आप यही आंसर दोगे फर्स्ट है हेल्प टू फेस द इवेंचुअलिटीज इवेंचुअलिटीज़ होते हैं मौके अलग अलग सिचुएशंस इट ट्राई टू फोकस्ड वेरियस बिजनेस सिचुएशन ऑन दिस बेसिस So, जैसी उसके अकॉर्डिंग हम इजिली काम कर सकेंगी हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस बिजनेस के जो उतार चढ़ाव होते हैं ना उन्हें शॉक्स एंड सरप्राइजेस भी कहा का नाम दिया प्रोपर प्रोविजन रिगार्डिंग शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ फंड इज मेड बाई एंटीसिपेटिंग फ्यूचर रिसिप्ट एंड पेमेंट की फ्यूचर का रिसिप्ट और पेमेंट का अनुमान लगा के हम प्रॉपरली शॉर्टेज का अनुमान लगा सकते हैं या सरप्लस का कि अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में शॉर्टेज होने की संभावनाएं तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा फाइनेंस कहाँ से अवेलेबल होगा तो इससे हम बिजनेस के उतार चढ़ाव से बच सकें हेल्प इन कोर्डिनेशन इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज सचेज सेल्स परचेज प्रोडक्शन फाइनेंस एट्सट्रा कि हमें कितना पैसा सेल करने के लिए चाहिए तो वहाँ से रिसीव्ड होगा फिर उसके लिए हमें परचेज भी करना पड़ेगा प्रोडक्शन पर कितना खर्च होगा तो फाइनेंस से रिलेटेड ये सभी काम हम कोऑर्डिनेट कर पाएंगे हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस इन दबसेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स में टेक प्लेस अगर हम सही से प्लानिंग नहीं करेंगे तो वेस्टेज हो सकती है दिस अराइज ड्यू टू द कॉम्पलेक्स नंबर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस सच एज एग्जिवली ओवर और अंडर एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेशन सच टाइप ऑफ वेस्टेज कैन भी अवॉइड कि अगर हमने पहले अनुमान नहीं लगाया तो एक्सेस भी हो सकता है शॉर्टेज भी हो सकता है तो उसकी वजह से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करके हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं हेल्प टू लिंक द प्रेजेंट विद फ्यूचर इट मेक्स एफर्ट टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर बाय डूइंग सो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज इससे हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को कम कर सकते हैं हेल्प इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीज़न जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उनमें हम एक लिंक बना सकते हैं डिसाइडिंग दैट वेयर टू इन्वेस्ट एंड फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड फंड्स विल बी मेड अवेलेबल अंडर इट द मै मिक्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड डेप्ट कैपिटल इज मेड इन सच ए मैनर दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूज टू बी मिनिमम कि हम शेयर कैपिटल से पैसा अरेंज करें या डेप्ट कैपिटल से जिससे हमारे जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे फाइनेंशियल कंट्रोल ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर कैप्ट अंडर कंप्लीट कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग अंडर इट स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आर सेट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कम्पेयर विद द स्टैंडर्ड और सेट डेवियशंस एंड देयर कोजेज आर ट्रेस्ड देखो जो कंट्रोलिंग का आपने पूरा प्रोसीजर किया था ना वही यहाँ पर ये फाइनेंस से रिलेटेड फॉलो कर रहा है कि हमने प्लानिंग कर रखी होगी तो हम उसको कंपेयर भी कर पाएंगे और कोई प्रॉब्लम आई तो करेक्टिव मेजरमेंट एक्शन भी ले पाएंगे